अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक है, और उसके बाद डिस्कशन होगी हमारी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट, हमने थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था। जब बात थर्मोडायनेमिक्स की आती है, थर्मो मीन्स हीट होता है और डायनेमिक्स का मतलब वर्क है, यानी हीट और वर्क के रिलेशन को स्टडी करने को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जब बात की जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कहते हैं कि एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी। मतलब ये है कि हम एनर्जी की जो वैल्यू है, जो एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है, ना आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिक्रीज कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको मैथमेटिकली हम कुछ इस अंदाज में लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू स्टूडेंट्स हीट है, डेल्टा यू का मतलब इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क डन। इसके बाद स्टूडेंट डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन को। हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.8 और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 पर है। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ 400 जूल, यानी इजाफे की बात की जा रही है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इजाफा कितना हो रहा है 400 जूल का। व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ सिस्टम, जबकि सिस्टम ने काम कितना किया, सिस्टम ने काम किया 800 जूल और सिस्टम की एनर्जी कितनी है 400 जूल। व्हाट इज द amount of heat supplied during this process? आप ये बताइए कि आपने कितने सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को सप्लाई किया। तो आपको दो पैरामीटर यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल 400 जूल एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स टू 800 जूल। तो हमें कैलकुलेशन किस हवाले से करनी है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू द सिस्टम। तो स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू से। डेल्टा यू इज द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी और इसकी जो वैल्यू है वो है 400 जूल के बराबर। डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम 800 जूल। डेल्टा क्यू स्टूडेंट यहां पर रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट को। तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू वर्क डन, डेल्टा क्यू हीट। नाउ the solution of this question is delta Q equals to delta U plus delta W. So this is called first law of thermodynamics, mathematical form of first law of thermodynamics. Delta Q equals to delta U plus delta W में values को substitute करेंगे। Delta U की value 400 joule और W की value 800 joule. तो स्टूडेंट ऐड करने के बाद आंसर आएगा 1200 जूल। तो द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इक्वल्स टू 1200 जूल, यानी अगर आप 1200 जूल हीट सप्लाई करेंगे तो 1200 जूल में से 400 जूल कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में और 800 जूल कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में। तो हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 1200 जूल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.7 पेज नंबर 38। इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, यानी एक प्रोसेस के अंदर हम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, 400 जूल की हीट सप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और उसी दौरान कितना काम हो रहा है, काम हो रहा है 150 जूल का। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहां पर आपको सबसे पहले तो गिवन कर दिया हीट का अमाउंट, और हीट का अमाउंट कितना है 400 जूल। इसके अलावा गिवन ये किया है कि सिस्टम ने काम कितना किया, तो सिस्टम काम कितना कर रहा है स्टूडेंट, सिस्टम काम कर रहा है 150 जूल का। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आते हैं, क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी गिवन थी हमें, इस क्वेश्चन के अंदर वो रिक्वायर्ड है, जबकि दो बातें आपको क्या गिवन है, द अमाउंट व्हिच इज सप्लाइड टू द सिस्टम is 400 joule and the amount of work done equals to 150 joule. अच्छा स्टूडेंट एक और बात कि यहाँ पर work done by the system आ रहा है, और जब work done by the system होगा तो उसे positive consider करते हैं, और जब heat supply की जाएगी तो positive, क्योंकि हम sign convention discuss कर चुके हैं। तो sign convention में हमने positive heat और negative heat का concept देखा था,
पॉजिटिव हीट क्या था, जब हीट सप्लाई की जाती है और जब सिस्टम से हीट एक्सपैंड होती है, रिलीज होती है, तो उसे नेगेटिव हीट का कहा जाता है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव का कांसेप्ट लिया जाता है। तो इसका डेटा कुछ ये होगा कि द वर्क डन इक्वल्स टू 150 जूल पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा क्यू 400 जूल अगेन पॉजिटिव वैल्यू, एंड द रिक्वायर्ड थिंग इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी व्हिच इज जनरेटेड बाय डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू को हमें डिटरमिन करनी है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला सेम रहेगा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करेंगे, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। अब हमें फॉर्मूले को जरा अरेंज करके लिखना ताकि हमें डेल्टा यू मिल सके। तो डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला हमने कुछ ये अरेंज किया कि डब्ल्यू पॉजिटिव वर्क डन था, इस वर्क डन की वैल्यू को हमने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पर। स्टूडेंट जब ये वर्क डन की वैल्यू को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन है। अभी अगर ये पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड पर जाने के बाद इसको आपको नेगेटिव लिखना है। तो पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, द डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 400 एज पर डेटा एंड वर्क डन इक्वल्स टू 150 जूल। नाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस टू नंबर, 400 माइनस 150 व्हिच इज इक्वल टू 250 जूल। तो द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज 250 जूल। यानी अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे 400 जूल, तो 400 जूल में से 150 जूल वर्क डन में कन्वर्ट होगा और बाकी 250 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। इसी को तो फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जो हीट होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है, कुछ वर्क डन करती है। तो यहाँ पर इंटरनल में इजाफा 250 का है, वर्क डन 150 का है, तो 250 प्लस 150 व्हिच इज इक्वल टू 400 जूल। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किन प्रोसेस पर यूज कर सकते हैं, किन प्रोसेस पर अप्लाई कर सकते हैं, हमें ये देखना है स्टूडेंट्स। जब बात की जाती है एप्लीकेशंस के हवाले से, तो मुख्तलिफ पैरामीटर को बेस बनाकर एप्लीकेशंस देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। मुख्तलिफ पैरामीटर से मुराद स्टूडेंट ये है कि हम प्रेशर की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, और इसके अलावा जो है हम बात करते हैं हीट के हवाले से। तो हम इन पैरामीटर को बेस बनाकर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में आईएसओ की मीनिंग है स्टूडेंट सेम, और आम तौर पर बैरिक यानी बैरोमीटर हमने सुना है। बैरोमीटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जिसकी मदद से आप प्रेशर को मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर यानी जब बैर आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पर बैरिक जो आ रहा है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइसो मींस सेम, बैरिक मींस प्रेशर। तो हमें नाम को पढ़कर समझ आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जो चीज हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, जिस चीज को हम सेम रखेंगे, वो चीज क्या होगी, प्रेशर होगी। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब हुआ सेम प्रेशर वाला प्रोसेस। अब इसको स्टडी करते हैं, आ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट इज कॉल्ड एन आइसोबैरिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को आप आइसोबैरिक कह रहे थे स्टूडेंट, जहां पर हम किस चीज को चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे। अदर पैरामीटर्स वॉल्यूम टेम्परेचर हीट दे मे बी चेंज, बट द प्रेशर वैल्यू इट शुड बी रिमेंस कांस्टेंट। सो द चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल। अब अगर इस बात के बारे में की जाए डिस्कशन के, चार्ल्स लॉ की एप्लीकेबल है तो हम जानते हैं गैस के मुख्तलिफ हमने लॉज डिस्कस किए, उसमें एक चार्ल्स लॉ भी है। तो चार्ल्स लॉ बेसिकली दो क्वांटिटी के रिलेशन को कहा जाता है। वो दो क्वांटिटी कुछ ये स्टूडेंट चार्ल्स लॉ की, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीज, मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन कंडीशन ये है द प्रेशर ऑफ द सिस्टम शुड बी कॉन्स्टेंट। यानी चार्ल्स लॉ के अंदर
हम प्रेशर की वैल्यू क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखकर टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन को स्टडी करेंगे। इसी मुनासिबत से हम यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं और जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है वहाँ पर गैस का लॉ जो अप्लाई किया जाता है उसे चार्ल्स लॉ कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए पहले आप इस डायग्राम पर गौर करिए। इस डायग्राम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं। जैसे ही हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने के बाद होता ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक पिस्टन है जिसके ऊपर W वेट रखा हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हीट देंगे तो हीट देने के बाद सिस्टम के अंदर वर्क डन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पिस्टन मूवेबल है तो इसलिए गैस आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पर जा रही है, इसको एक्सपेंशन की तरफ जाना पड़ रहा है और पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको हम वर्क डन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इन्हीं बातों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गैस इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है पर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम बाय प्लेसिंग द सिलेंडर ऑन अ हीट रिजर्वायर टू द गैस विल एक्सपेंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर पी। If delta y is the displacement of piston, मतलब question ये हुआ कि हम एक system consider कर चुके हैं जो कि diagram में देख चुके हैं और इस system के अंदर जो है जो cylinder है वो cylinder के साथ जो piston है वो movable है, means up and down, यानी gas को आप compress भी करवा सकते हैं और gas expand भी हो सकती है। movable का मतलब यही है जो displacement कर सकता हो। जब question the amount of heat supply to the system is delta Q. अब जब हम delta Q amount of heat supply करते हैं तो supply करने के बाद होगा ये कि जो अंदर gas है gas के molecules expansion की तरफ जाएंगे और piston के ऊपर force apply करेंगे और जब force apply करेंगे तो definitely piston ने ऊपर की तरफ move करना है, means that displacement होना है और जब displacement होगा तो उसको हमने represent किया delta Y से। तो डेल्टा वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स सपोज पिस्टन पहले यहाँ था इस जगह पर था, उसके बाद एक्सपेंड होने के बाद वो यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट। ये पिस्टन के दो लेवल है। लेट्स से यहाँ तक की जो हाइट है ये है वाई वन के इक्वल स्टूडेंट्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है बेस से लेकर उस हाइट को हमने कह देना है वाई टू। अब मुझे ये देखना है कि पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट किया y1 और y2 के दरमियान, तो y1 और y2 के दरमियान कितना हिस्सा बनता है, तो ये वाला हिस्सा बनता है डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट पिस्टन कवर कर रहा है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं फाइंड कैसे करूं, उसको फाइंड करने का बहुत आसान मेथड है। आपने करना ये है कि y2 की वैल्यू में से y1 की वैल्यू को माइनस करना है, मींस दैट आपने डेल्टा y कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वाई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो रहा है इनिशियल पॉइंट से, हम उसको डेल्टा वाई कह रहे हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन वी कैन राइट एस, अब मुझे ये जानना है कि पिस्टन ने कितना वर्क डन किया। तो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है स्टूडेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर वर्क डन मिलता है। तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, इट मींस उसने वर्क डन किया। तो इसी डेफिनेशन को यहाँ पर हमने यूज किया F मल्टीप्लाई बाई S, फोर्स S डिस्प्लेसमेंट है यहाँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड के हवाले से कि फोर्स कितनी अप्लाई की, तो फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। हम जानते हैं कि प्रेशर की डेफिनेशन होती है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। ये प्रेशर की डेफिनेशन है कि नॉर्मली आप नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक एरिया में, आप उसे प्रेशर कहते हैं। तो इसी हवाले से अगर हम देखें कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टूडेंट एरिया डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब प्रेशर से इसको क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर
एरिया को कंसिडर करिए, यहाँ पर एरिया क्या है, तो एरिया से मुराद स्टूडेंट ये है कि जो पिस्टन है, पिस्टन कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है टू डायमेंशन में। तो जो पिस्टन आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसने भी तो कुछ ना कुछ जगह घेरी है, हम उस जगह को जो टू डायमेंशन में है उसे एरिया कह रहे हैं। तो ए का मतलब एरिया ऑफ द पिस्टन है और पी का मतलब प्रेशर है। नाउ वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। मतलब ये हुआ स्टूडेंट की जो फोर्स थी वर्क के फॉर्मूले में एफ एस, तो हमने एफ को रिप्लेस किया पी ए से, पी प्रेशर ए एरिया। तो ये तो जो दो चीजें आ रही हैं हमारे पास, ये दो चीजें प्रेशर के फॉर्मूले की वजह से आ रही है, फोर्स के फॉर्मूले की वजह से आ रही है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। जबकि डेल्टा वाई हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो डेल्टा वाई लिखने की वजह ये है कि डेल्टा वाई बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर के वाई वन और वाई टू के बीच का गैप, इसको डेल्टा वाई। तो हमने एस को डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस किया ना डेल्टा वाई से, और फोर्स की जगह पर लिख दिया हमने प्रेशर और एरिया। वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर जो एरिया है बेसिकली सिलेंडर के पिस्टन का है, हम जो बात कर रहे हैं एरिया के हवाले से बेसिकली वो वेयर ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर पिस्टन। जो सिलेंडर का पिस्टन है उसके एरिया को हमने ए से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर सिलेंडर के पिस्टन के हवाले से बात की जा रही है, तो सिलेंडर का पिस्टन हो गया यहाँ पर एरिया। अब एरिया जो है स्टूडेंट वो टू डायमेंशन क्वांटिटी है, मींस दैट एरिया के अंदर लेंथ और विड्थ हम कंसीडर करते हैं, लेंथ और विड्थ। जब वॉल्यूम की बात की जाती है, वॉल्यूम एक थ्री डायमेंशन क्वांटिटी का नाम होता है। मतलब थ्री डायमेंशन से मुराद लेंथ विड्थ और हाइट। अगर मैं एक रेक्टेंगुलर शेप की बात करता हूँ तो उसके वॉल्यूम के लिए मैं तीन क्वांटिटी का जिक्र करूंगा, लेंथ विड्थ और हाइट। तो मतलब ये क्वेश्चन के एरिया और वॉल्यूम का डिफरेंस ये है कि एरिया टू डायमेंशन है और वॉल्यूम थ्री डायमेंशन है। तो अगर मैं एरिया और डेल्टा वाई को सम अप करूं कि इनको मैं सिंगल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो उसके लिए तरीका क्या होगा, एरिया टू डायमेंशन, डेल्टा वाई हाइट है या डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट है, वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ टू डायमेंशनल क्वांटिटी एरिया, वन डायमेंशनल क्वांटिटी डेल्टा वाई। तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी होगा, और वो थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी हमने क्या कह दिया, डेल्टा वी यानी वॉल्यूम का चेंज। तो एरिया और पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे आप क्या कहेंगे, डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम कहेंगे। तो अपने इस इक्वेशन में स्टूडेंट जहाँ प्रेशर एरिया और डेल्टा वाई लिखा है हमने, हम एरिया और डेल्टा वाई को रिप्लेस करेंगे, और किससे रिप्लेस करेंगे एरिया और डेल्टा वाई को स्टूडेंट्स, हम रिप्लेस करेंगे उसको डेल्टा वी से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेशर इनटू डेल्टा वी। प्रेशर तो ऐसे ही लिखना है हमें, हमने एरिया और डेल्टा वाई को कहा कि ये थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, और वो थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, वॉल्यूम का चेंज। अगर मुझे जानना है कि मेरे जो सिस्टम है उसमें वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज तो आ रहा है, पहले गैस कम जगह पर थी अब वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है, इट मींस वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा वी का जिक्र किया। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो सर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज के प्रोडक्ट के, यानी प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वर्क डन के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और बात आपसे डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ पर जब आप हीट सप्लाई कर देते हैं एक बार, तो हीट सप्लाई करने के बाद होता है कि आहिस्ता आहिस्ता गैस एक्सपेंशन की तरफ जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कि गैस कब तक एक्सपेंड करेगी, तो गैस एक्सपेंड तब तक करेगी जब तक नेट प्रेशर क्या ना हो जाए, कॉन्स्टेंट ना हो जाए। मतलब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक एक्सपेंशन होता रहेगा। जैसे ही नेट प्रेशर सेम हो जाएगा, नेट प्रेशर जो है गैस आपके लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये पिस्टन जो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है फिर मजीद एक्सपेंड नहीं होगा, इसीलिए उसको नाम देंगे आइसोबैरिक प्रोसेस का। यानी इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर वाली क्वांटिटी को यहाँ पर आप क्या कंसिडर कर चुके हैं, कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट कंसिडर कर चुके हैं, पिस्टन ने हमेशा एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाना। ये कब तक एक्सपेंड होगा स्टूडेंट,
जब तक नेट प्रेशर क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक ये जो है, जब तक जो है नेट प्रेशर कांस्टेंट, तब तक ये एक्सपेंशन की तरफ ज्यादा जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये तो फर्स्ट और थर्मोडायनामिक की हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है अकॉर्डिंग टू आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका कुछ ये होता है कि हम प्रेशर को कंसिडर करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर और वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस पर। प्रेशर वाई एक्सिस पर है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है। यहाँ पर भी आप सकते हैं प्रेशर वाई एक्सिस पर और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर मौजूद है हमारे पास। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त उस ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी। लेट्स से ये होगी आपके पास y एक्सिस और ये है आपके पास स्टूडेंट x एक्सिस। x पे आपने रखना है वॉल्यूम, y पे आपने रखना है प्रेशर। अब होगा ये स्टूडेंट्स कि पहले जो लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि पहले सिस्टम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ प्रेशर था। लेट्स से इतना इसका वॉल्यूम था और इतना इसका प्रेशर था। वॉल्यूम को हमने V1 कह दिया और प्रेशर को हमने P कह दिया। इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो P है और वॉल्यूम क्या है इसका V1 है। अब इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आपने इसको हीट का एक अमाउंट सप्लाई किया था, तो हीट का अमाउंट सप्लाई करने के बाद वॉल्यूम में इजाफा हुआ था। तो वी वन इनिशियल वॉल्यूम है और इजाफा हो रहा है। इजाफा होने का मतलब ये होता है स्टूडेंट के जो पॉइंट है ये आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे राइट साइड पे जाएंगे, तो राइट साइड पे जाने का पर्पस ये होगा कि आप जो है वॉल्यूम में इजाफा चाह रहे हैं, और अगर लेफ्ट साइड पे रहेंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर पॉइंट नीचे की तरफ लाएंगे तो इट मीन्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेशर के बारे में तो हमें ये बात जहन में रखनी है कि प्रेशर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। मींस जो प्रेशर सिस्टम का स्टार्टिंग में होगा वही प्रेशर सिस्टम ने मेंटेन रखना है। इसका मतलब इस पॉइंट की जो हाइट है स्टूडेंट वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो फिर यहाँ पर चेंज किस चीज में आएगा? यहाँ जो चेंज आएगा स्टूडेंट वो ये होगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर है इस पॉइंट को आप जरा सा आगे लेकर जाएंगे। मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि आप इस पॉइंट को कुछ यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो इंडिकेट ये करेगा कि पहले जो था वो वॉल्यूम वी वन था, और इस पॉइंट के हवाले से अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम क्या हो चुका है, वी टू हो चुका है। लेकिन प्रेशर के हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों पॉइंट की जो हाइट है स्टूडेंट्स वो सेम है। ये हाइट देखें और ये हाइट देखें, सेम है। मीन्स हाइट में तो चेंज नहीं आ रहा। अगर हाइट में चेंज नहीं आ रहा तो हाइट से जो यहाँ पर वैल्यू कॉरिस्पॉन्डिंग, वो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो प्रेशर की है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, बस चेंज आया है वॉल्यूम का है। अब हम इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने की बात करके अब हम इनको इनकी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल लाइन। तो ग्राफिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे इसमें तो कुछ इस तरह की बनती है लाइन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है इस डायग्राम के अंदर, जैसे जैसे आप जो है हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद आपने ये नोटिस किया कि ये लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है। आगे की तरफ बढ़ने का रीजन यहाँ पर क्या है? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। क्योंकि आपने यहाँ पर हीट सप्लाई की तो गैस एक्सपेंशन की तरफ चली गई, वर्कन बाय द सिस्टम हो रहा है, इसलिए आपने ये लिखा कि ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर एक स्ट्रेट लाइन का बनना और वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होना ये इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो है प्रेशर की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली कहाँ पर आ रही है? तब्दीली आ रही है वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम वन था, बाद में वॉल्यूम टू हो रहा है। अच्छा सर, ना सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है बल्कि यहाँ पर एक और क्वान्टिटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी। तो यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दो क्वांटिटी चेंज होने वाली है, जबकि प्रेशर वाली क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आप ये कह लीजिए कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट कर रहा है अगर वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है
तो इट मींस दैट कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ये पहले ही एप्लीकेशन थी स्टूडेंट आइसोबैरिक प्रोसेस की। इसकी मजीद और एप्लीकेशन है जिसमें आइसोबैरिक प्रोसेस भी आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस भी आता है, इसके अलावा एडियाबेटिक प्रोसेस भी आता है स्टूडेंट। तो इन प्रोसेस की डिस्कशन इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।